जी, हमारा हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वैसे ही बड़ा वीक है, माठा किस्म का है। इंडिया का आप कह रहे हैं, इंडिया की कोचिंग बहुत अच्छी होती है और इंडिया के जो प्लेयर हैं वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन हो गए हैं वो उनके ऊपर इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे ना कोई इन्वेस्टमेंट करती है ना वो मेहनत करती है। देखिए जी, पहले हॉकी स्टिकें खेलने के लिए घर में होती नहीं, अब तो सिर्फ कुट पड़ने के लिए रह गई। सिर्फ 5 मेडल उनके लिए तो बहुत कम है वैसे, क्योंकि उनकी अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो उनकी तो पाकिस्तान से 20% भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, दिस इज़ वलीद रोफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओलंपिक्स चल रहे हैं, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए, बहुत लोग कह रहे थे कि ओलंपिक्स पे वीडियो बनाओ। मैंने कहा भाई मैं क्यों वीडियो बनाऊं, हमारे मुल्क की इतनी गंदी परफॉर्मेंस रही है, सिर्फ एक उम्मीद है, वो है कल के मैच के ऊपर, अरशद नदीम के मैच के ऊपर पूरी उम्मीद है भाई मेरा मेडल लेकर आएगा। मेडल्स की बात हो रही है तो आपको एक रिकॉर्ड बता दे, तो क्यों मैं वीडियो नहीं बना रहा था, पिछले 29 साल से पाकिस्तान एक भी मेडल नहीं जीता ओलंपिक्स के अंदर, और इसके अलावा गोल्ड तो दूर की बात है, ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीता। और दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क है, आप जानते हैं मैं ज़्यादातर इंडिया के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, इंडिया ने 5 मेडल अभी तक जीत ली हैं और कल उनकी वुमेन्स हॉकी की टीम भी मेडल जीत जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। सबसे पहले तो मैं इनकी वुमेन्स टीम के लिए क्लैपिंग करना चाहूँगा, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त खेल इन्होंने खेला है। मैंने इनका मैच देखा था, क्वार्टर फाइनल भी देखा, सेमीफाइनल भी देखा, सेमीफाइनल में अनलकी रहे लेकिन क्वार्टर फाइनल में बहुत अच्छा इन्होंने खेला। रही बात ओलंपिक्स की, तो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंडिया के लिए सल्यूट है, काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। रही बात पाकिस्तान के लिए, तो आज ज़रा पाकिस्तानी आवाम से पूछे ओलंपिक्स के ऊपर इनका रिएक्शन क्या है, क्या वजह जो पाकिस्तान इतना पीछे रह गया ओलंपिक्स के अंदर कि क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा हॉकी की टीम, और इंडिया दूसरी तरफ इतने अच्छे अच्छे मुकाबले जीत रहा है, मेडल जीत रहा है, आज ज़रा पाकिस्तानी आवाम से पूछे उनका रद्द अमल। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अस्सलाम, मेरा नाम वसी हैदर है। वसी, मुझे ये बताओ कि आपने देखा आज इंडिया ने ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी के अंदर 41 साल बाद, दूसरी तरफ हमारी पाकिस्तान की टीम जो एक वक्त में चैंपियन हुआ करती थी और अब उसकी परफॉर्मेंस देखिए, इवन क्वालिफाई नहीं किया हॉकी के लिए। पाकिस्तान की जो टीम है वो ज़्यादातर मेहनत भी नहीं करती, जैसा कि इंडिया का आप कह रहे हैं, इंडिया की कोचिंग बहुत अच्छी होती है और इंडिया के जो प्लेयर हैं वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन जो लोग हैं वो उनके ऊपर इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे ना कोई इन्वेस्टमेंट करती है ना वो मेहनत करते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वैसे ही बड़ा वीक है, माठा किस्म का है। यहाँ पे प्लेयर है, टैलेंट है, लेकिन उस तरह फंडिंग नहीं होती है, जबकि इंडिया है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, वो टैलेंट है और पैसा बड़ा लगाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 10 प्लेयर्स गए खेलने के लिए ओलंपिक, जो सिर्फ 6 गेम उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, दूसरी तरफ इंडिया के 70+ लोग गए थे पार्टिसिपेट करके, इस पर आपका क्या ख्याल है? जी, इसका कोई ना फ्यूचर नहीं है, प्लेयरों को बड़ा डिसहार्ट किया जाता है। अगर किसी प्लेयर आप देख लें, हमारे लेजेंड्स हैं, उनको मेडल मिले हुए हैं, लेकिन घरों में पड़े हुए आज किसी को पता भी नहीं है किसको मेडल मिला था किसको नहीं मिला था, वो बुड्ढे बाबे हो गए और कोई पैसे भी नहीं मिलते। सिर्फ 5 मेडल उनके लिए तो बहुत कम है वैसे, क्योंकि उनकी अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो उनकी तो पाकिस्तान से 20% भी नहीं है, तो अगर देखा जाए तो ठीक है, मगर पाकिस्तान में ये है कि वो सपोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट इतना जिनको उनको नेशनल लेवल पे किया जाता है। आपका पॉइंट मुझे समझ में आया, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद सिर्फ 5 मेडल लिए हैं लेकिन हमने तो एक भी मेडल नहीं लिया, यही बस हमारी यहीं से मार खा जाती है ना, हमारे नेशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं करते। अभी हमारा एक लड़का वो जो वेट लिफ्टिंग में करके आया है, मगर वो अपने बलबूते पे करके आया, उसको नेशनल लेवल पे कोई इतना सपोर्ट नहीं किया गया था। हमारे पास एक चांस है, कल हमारा मैच है अरशद नदीम का, वो मे बी गोल्ड मेडल जीत जाए पाकिस्तान के लिए, सपोर्ट कर। हाँ जी, इंशाल्लाह पूरी दुआएं उसके साथ, दिलचस्पी नहीं दिखा। इंडिया की बात की, इंडिया 5 मेडल अभी तक जीत चुके हैं, कल एक और भी जीत जाएगा, उनकी वुमेन्स का हॉकी मैच है, आपका क्या ख्याल है? यार यही मसला तो ये है ना, हमारी जो आवाम है वो दूसरे मोबाइल में लड़कियों के पीछे और दूसरी जगह मसरूफ़ रहते हैं, ये खेल में इतना ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देते। मतलब आप कह रहे हैं कि हम लोग सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से हमारी टीम ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है, हम सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। तो इसमें कि कल हॉकी टीम लड़कियों की खेल रही है, वो भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट करेगी, उसका सपोर्ट कर रहे हैं? बस अगर खेले तो टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, अगर जहाँ पे भी टैलेंट अगर खेलता है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, मगर पाकिस्तान को देखना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए अपना को नेशनल टीम पे, सारा फोकस क्रिकेट पे नहीं होना चाहिए, और भी गेम्स होती हैं ओलंपिक्स। वुमेन्स का मैच है ब्रॉन्ज मेडल के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है वही जीत जाएंगे, आपको क्या लगता है? ऐसा ही है इंडियन का, मुझे भी यही उम्मीद है कि इंडियन की वो जीत जाएंगे, क्योंकि
वो मेहनत करते हैं, हमारे इधर बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं रही जो इंडियन अब कर रहे हैं। कभी होता था कि पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम थी वो एक नाम था उनका और वो जीतते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं जीते। देखिए मेहनत का फल इंसान को ज़रूर मिलता है, इंडिया ने अपनी मेहनत से अपने आप को आगे लेके आए हैं और अपने ओलंपिक्स के प्लेयर्स को उन्होंने इतना इम्प्रूव किया है कि वो 5 मेडल्स गोल्ड मेडल जीत गया है, जहाँ के अगर पाकिस्तान को लिया जाए तो पाकिस्तान अभी तक एक भी मेडल नहीं जीत पाया। क्या पाकिस्तान 1992 से एक मेडल नहीं जीता अभी तक? तो यही ना, हमें अपने बंदों पर ट्रस्ट करना चाहिए और उन पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट के लिए उन पर स्किल्स डेवलप करनी चाहिए उनके लिए। आप ये समझते हैं कि बंदों का कसूर है वहाँ जाके हार जाते हैं कि पीछे से मैनेजमेंट का कसूर है कि इनको ट्रेन ही नहीं करते? मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का और दोनों का कसूर इस पे है, मगर मैनेजमेंट का ज़्यादा कसूर है इस वजह से कि पाकिस्तान अपने बंदों को इतना डेवलप ही नहीं करता, कि इतना उनको ऊपर ही नहीं मीडिया पे लेके नहीं आता, जिस वजह से उनका हौसला अफजाई हो, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म करें। कल इंडिया की वुमेन्स हॉकी खेलने जा रही है, क्वालिफाइड है उनका 3rd पोजीशन का ब्रॉन्ज मेडल के लिए, आप किसको सपोर्ट करें? इंडिया का मुकाबला है दूसरी टीम के साथ, तो आप कर रहे हैं इंडिया का सपोर्ट? जी अगर इंडिया अच्छा खेल रही है, मेहनत कर रही है, हमें मेहनत करते हुए नजर आ रही, तो हम चाहते हैं कि वो भी जीते हैं, हमारे लिहाज से वो भी अच्छी मेहनत करें और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। आप इंडियन वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं कल के हॉकी मैच? जी मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात तो करने भाई लोग आपकी फरमाइश पे ओलंपिक की वीडियो मैंने बना ली, आपने सुना लोगों का रद्द अमल क्या था। हमें पूरी उम्मीद है कि अर्शद नदीम कल पाकिस्तान के लिए पहला मेडल 29 साल बाद जीतेगा। और रही बात इंडिया की, तो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को मेरी पूरी सपोर्ट है, बाकी लोगों की भी सपोर्ट है, इंशाल्लाह वो भी जीतेगी। रही बात इंडिया की, तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट बहुत अच्छा है, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया अपने स्पोर्ट्स के ऊपर, इस वजह से उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। पाकिस्तान के लिए मेरा यही मैसेज है कि पाकिस्तान वालों को चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ क्रिकेट के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हो तो वहाँ दूसरे स्पोर्ट्स से भी दो। हॉकी हमारा कौमी खेल था, देखें हॉकी का क्या हाल हो गया, इवन क्वालिफाई नहीं किया, तो यही उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा स्पोर्ट्स भी अच्छा होगा, हम लोग भी जाके ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, मेडल्स लेकर आएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। पूरी उम्मीद है हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हो, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।